नमस्ते। आइए अब जानते हैं कि किस प्रकार से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में डॉक्यूमेंट्स को सेव किया जाता है। आप जब भी डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो ये याद रखना जरूरी है कि इस डॉक्यूमेंट को सेव अवश्य करें। अगर आप कोई डॉक्यूमेंट सेव नहीं करते हैं तो वो अगर कंप्यूटर के जो पावर कॉर्ड लगी हुई है अगर वो कोई निकाल देता है या अगर बिजली चली जाती है तो ये आपकी जो भी मेहनत हुई है ये दोबारा से आप लेकर नहीं आ सकते। इसलिए डॉक्यूमेंट सेव करना जरूरी है। डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए आप ऊपर बाईं तरफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन पर जाएं, उसको क्लिक करें। जब आप क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको दो विकल्प दिखाई देंगे सेव के, सेव और सेव एज। अब ये गौर करके सुन लीजिए कि सेव और सेव एज में अंतर क्या है। यहां पे देखिए डॉक्यूमेंट का नाम है कवर लेटर डॉट डॉक्स। तो जब आप सेव विकल्प पर क्लिक करते हैं तो डॉक्यूमेंट इसी नाम से और उसी लोकेशन में जहां पे जो आपकी डायरेक्टरी होती है उसी डायरेक्टरी में डॉक्यूमेंट सेव होता है। अगर इस डॉक्यूमेंट को दूसरे नाम से या दूसरी डायरेक्टरी में सेव करना है तो आप सेव एज पर क्लिक करें। अब जैसे मान लीजिए मेरे को डेस्कटॉप पर ये डॉक्यूमेंट सेव करना है तो डेस्कटॉप क्लिक करके मैं यहां पे सेव बटन क्लिक करूंगा तो ये डॉक्यूमेंट अब डेस्कटॉप पे आ गया। ये यहां पे कवर लेटर डॉट डॉक्स ये डॉक्यूमेंट सेव हो गई। कभी कभी क्या होता है, आप जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 का इस्तेमाल कर रहे हैं और अगर आप ये डॉक्यूमेंट ईमेल के जरिए किसी को भेजते हैं लेकिन उनके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 नहीं है तो उस केस में आप इसको दूसरे फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं। उसके लिए आप सेव एज पर जाएं और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 97 से 2003 डॉक्यूमेंट ऑप्शन को क्लिक करें। फिर आपको जहां पे भी आपका डॉक्यूमेंट सेव करना है, जैसे मैं डेस्कटॉप पर ही करना चाह रहा हूं तो डेस्कटॉप ऑलरेडी सिलेक्टेड है, अब मैं सेव पर क्लिक कर दूंगा। इससे देखेंगे तो ये .doc, तो .doc फॉर्मेट जो होता है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 97 से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2003 सॉफ्टवेयर में खुल सकता है। अब मान लीजिए आप किसी ऐसे व्यक्ति को डॉक्यूमेंट भेज रहे हैं जिनके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का कोई सॉफ्टवेयर ही नहीं है तो उसके लिए आप ये डॉक्यूमेंट सेव एज में जाकर के यहां पर PDF और XPS का ऑप्शन सिलेक्ट कर सेव कर सकते हैं। तो जब इस पर क्लिक करेंगे तो ये PDF फॉर्मेट में सेव करने का आपको ऑप्शन देगा। PDF का मतलब होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पब्लिश पर क्लिक करें तो ये देखिए अब यही डॉक्यूमेंट आपका अडोबी रीडर में आराम से खुल जाएगा। वो आपको मालूम पड़ गया डॉक्यूमेंट सेव कैसे करते हैं और डॉक्यूमेंट सेव और डॉक्यूमेंट सेव एज इन दो विकल्पों में क्या क्या अंतर है। धन्यवाद।